हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास है हैमर का एक TWS जो है हैमर एयरफ्लो 2.0। तो ये है उसका बॉक्स और बॉक्स के ऊपर हैमर का ब्रांडिंग है, हैमर एयरफ्लो 2.0 लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है वन टच अहेड, नीचे और कुछ नहीं है। इधर पे क्या लिखा हुआ है, वॉइस असिस्टेंट, डीप बस, टच कंट्रोल। और इस साइड पे लिखा हुआ है एयरफ्लो 2.0। और इधर पे इसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, 10mm ड्राइवर है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, अप टू 8 आवर्स बैटरी प्लेबैक टाइम है। और कुछ नहीं है। अभी बॉक्स को ओपन करके देखते हैं अंदर क्या क्या आया है इसका। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में नॉर्मली 1200-1300 रुपये का आता है, बट क्रेड कॉइन यूज करके क्रेड से 800 रुपीज में मिला था मुझे। यहाँ पे भी हैमर एयरफ्लो लिखा हुआ है और ये है TWS विद केस। इसको प्लास्टिक से बाहर निकल के देखते हैं तो ये पूरा ग्लॉसी टाइप का है, पेबल शेप का है। ऊपर हैमर का ब्रांडिंग है, फुल ग्लॉसी है। और इसका पीछे यहाँ पे है इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पूरा शाइनी है तो स्क्रैचेस आ सकता है इसमें, बट देखने में बहुत क्यूट है, छोटा सा है। इधर पे इसका एक टाइप सी चार्जिंग केबल दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा बड्स दिया गया है फिटिंग्स के हिसाब से प्रॉपरली अटैच करने के लिए। ओपन करता हूँ। इसका डिजाइन थोड़ा बहुत जो लग रहा है बोट एटम 83 जैसा, टच पैनल दिख रहा है। ये ओपन करने से ऑन नहीं होता, इसको बाहर निकालने पे ये ऑन होता है। अभी देखिए लाइट जल रहा है, इसमें ये ब्लिंक कर रहा है। ये अभी पेयरिंग मोड में है तो ये ऐसे रेड एंड ब्लू ब्लिंक कर रहा है। अभी जब ये पेयर हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक को भी अलग से यूज कर सकते हो, मतलब दोनों दोनों में से कोई भी एक को अलग अलग से यूज कर सकते हो, दोनों को भी एक साथ भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में जब भी ओपन उस केस से बाहर निकाले तभी उसको वो ऑन हुआ। केस से बाहर निकलने पे ही ऑन होता है और केस के अंदर रखने पे और क्लोज करने पे फिर वो ऑफ हो जाता है। और इधर भी देखिए वो ब्लू LEDs बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है कि वो चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई दूसरा आइटम लेके।